हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है स्क्रीन पिनिंग कैसे सेट करते वो बताऊंगी। और स्क्रीन पिनिंग बहुत अच्छा फीचर है और ये स्क्रीन लॉक की तरह होता है फ्रेंड्स। और कैसे यूज़ करते हैं सब सारा बताऊंगी, पर आपको पूरा देखना होगा इस वीडियो को, तभी आप समझ पाएंगे किस प्रकार से यूज़ किया जाता है इसे। और सबसे पहले आपको और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और बात बताना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल पर पहले भेज प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है एंड सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको फ्रेंड्स इसके बाद आपको सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे तो आपका सबसे नीचे आएगा स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे एंड इस प्रकार से स्क्रीन पिनिंग को ऑन करते हैं। और इसमें स्क्रीन पिनिंग आप पैटर्न लॉक सेट करना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं। और इन्हें जैसे कि मैं पैटर्न लॉक सेट कर लेती हूँ एंड इसके बाद जो स्क्रीन लॉक मुझे आपका लगा वो दोबारा स्क्रीन पिनिंग में लग जाएगा एंड इसके बाद इसको बैक करेंगे। और स्क्रीन पिनिंग जब आप इस पर क्लिक करते हैं दोबारा से स्क्रीन पिनिंग पर क्लिक करेंगे तो वैसे तो इस प्रकार से ऑफ होता है एंड इस प्रकार से ऑन होता है। जब इसे ऑफ करते थे इन्फॉर्मेशन है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा स्क्रीन पिनिंग कैसे यूज़ किया जाता है। एंड इस प्रकार से ऑन कर लेंगे और इसके बाद इसे होम करेंगे, फिर देखें और आप किस पे सेट करना चाहेंगे स्क्रीन पिनिंग वो चूज़ करेंगे ऐप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लॉक ऐप यूज़ करना चाहूँगी और इसके बाद आपको यहाँ देखिए ये वाला बटन, आप इस पर क्लिक कर देंगे एंड एक क्लॉक का दिख रहा होगा जहाँ पर डिज़ाइन है तो आप उस पर क्लिक कर देंगे एंड पिन मुझे ये वाला ऑप्शन आता है पिन का, आप उस पर क्लिक कर देंगे। और ये देख सकते हैं स्क्रीन पिनिंग हटाने के लिए आपको टू फिंगर का इस्तेमाल करना होगा, एक फिंगर यहाँ रखना होगा और दूसरी उंगली इधर इधर रखना फिंगर एंड इसके बाद दोनों को एक साथ रखेंगे इस प्रकार से तो आपका स्क्रीन पिनिंग हट जाएगा। पर इस पर क्लिक करते हैं तो आपका स्क्रीन पिनिंग सेट हो जाता है, यहाँ देख सकते हो सेट हो चुका है। तो बैक होम कुछ नहीं हो सकता, यानी कि इस ऐप के अलावा आप कोई सा भी ऐप नहीं चला सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं एक ही ऐप चलेगा इसमें। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में देख सकते हैं, मैं इसी ऐप के अलावा कोई सा भी ऐप यूज़ नहीं कर सकते, इसी को कहते हैं स्क्रीन पिनिंग। ऐसे आप अपने बच्चे को लगा के दे सकते हैं, कैलकुलेटर लगा के दे देंगे तो वो कैलकुलेटर यूज़ करेगा और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और जब आपकी इंपॉर्टेंट फाइल है वो बची रहेंगे, उसे डिलीट भी नहीं होगा तो बच्चे के हाथ में भी सेफ रहेगा फ़ोन। और मतलब कि इस प्रकार से सेफ रहेगा आपका जो फाइल ही ये सब होता है। और इस प्रकार से आप होम नहीं कर स्क्रीन ऑफ करके फिर लोग देखेंगे बच्चे, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं तभी भी आपका होम नहीं होगा। तो स्क्रीन पिनिंग हटाने के लिए आपको एक फिंगर एक इधर और एक इधर रखना है एक साथ, तो आपका हट चुका है स्क्रीन लॉक। मैंने लगा रखी थी स्क्रीन पिनिंग, वो सीधे स्क्रीन लॉक ड्रॉ करके ओपन करना होगा आपको। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप अपने फ़ोन अब देखेंगे बैक हो रहा है, होम भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में स्क्रीन पिनिंग यूज़ कर सकते हैं, सेट इसी प्रकार से करते हैं। और इसे हटाना है तो फ्रेंड्स वापस सेटिंग पे जाएंगे, इस प्रकार से ऑफ कर देंगे एंड इसे भी ऑफ कर देते हैं उसे भी। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में स्क्रीन पिनिंग यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स तब तक नमस्कार।